दोस्तों, अगर आप YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आप वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को वीडियो को एडिट करना पड़ता होगा। आपने वीडियो को एडिट करने के लिए कई सारे ऐप को यूज़ किया होगा, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को वाटरमार्क मिलता है और उस वाटरमार्क को हटाने के लिए आप लोगों को पैसे देने होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आप अपने किसी भी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। चाहे आप वीडियो YouTube के लिए बनाते हो या फिर Facebook के लिए बनाते हो या फिर चाहे आप Instagram के लिए वीडियो बनाते हो, जिस भी साइज में आप लोग वीडियो बनाना चाहते हैं उसी साइज में आप लोग वीडियो बना सकते हैं और वहाँ पर आप लोगों को वाटरमार्क हटाने के लिए कोई भी पैसे नहीं देने होते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर से वीटा ऐप को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर मैंने इस ऐप को पहले से डाउनलोड करके रखा है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद में आप लोगों को इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा और यहाँ पर आप लोगों को मीडिया एंड फाइल्स की जो परमिशन ये मांगता है उसको आप लोगों को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोगों को तीन ऑप्शन मिलेंगे। पहला होता है यहाँ पर प्रोजेक्ट का और दूसरा यहाँ पर जो प्लस का आइकन है, यहाँ पर आप अपनी वीडियो फाइल को यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर टेम्पलेट्स का है। अगर आपको यहाँ पर इसका टेम्पलेट चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसके टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं और उससे भी आप लोग अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप किस तरह से इस ऐप पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा इस प्लस वाले आइकन पर और यहाँ पर आप लोगों को अपनी उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जिस वीडियो को आप लोग एडिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहाँ से ले लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर जो तीर का निशान आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर ये लोडिंग लेने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। जब आप लोगों का ये लोडिंग कंप्लीट हो जाता है तब आप लोग अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा और यहाँ से आप अपनी इस वीडियो को किसी भी तरह से एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर स्प्लिट का। अगर आप अपने वीडियो में से किसी भी बीच वाले पार्ट को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को उस जगह पर इस कर्सर को ले जाना है और वहाँ पर आप लोगों को इस स्प्लिट पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमें इस वीडियो में से इस क्लिप को हटाना है तो यहाँ पर हम इस पर स्प्लिट करेंगे। अब इसके बाद में आप लोगों को इस कर्सर को वहाँ पर ले जाना है जहाँ से इस वीडियो को आप हटाना चाहते हैं। इसके बाद में फिर से आप लोगों को यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बीच वाला पार्ट जिसको हम हटाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो को हटाने के लिए यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बीच वाला पार्ट हमने हटा दिया है। इसके बाद में आप लोगों की वीडियो इस तरह से आपको दिखाई देगी। सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर आप लोगों को स्पीड का मिल जाता है। अगर आप अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ाना या फिर घटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्पीड पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको आपको थोड़ा सा ड्रैग करना है इस तरह से, मतलब कि स्पीड बढ़ चुकी है। अगर आप अपनी स्पीड को फिर से घटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इसको इस तरह से ड्रैग करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अगर आप अपनी वीडियो को रिजर्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को रिजर्व कर देना है और यहाँ पर ये रिजर्व होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद में आप लोगों की वीडियो रिजर्व कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है वॉल्यूम का। अगर आप अपनी वीडियो में से वॉइस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम पर क्लिक करना है। अगर आप लोगों को अपनी वीडियो में से वॉइस को बढ़ाना है तो आप लोगों को इसको थोड़ा सा ड्रैग करना है इस तरह से। अगर आप लोगों को अपनी वीडियो में से वॉइस को घटाना है तो आप लोगों को इस तरह से ड्रैग करना है। जैसा भी आप करना चाहते हैं वैसा आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर कॉपी का। अगर आप अपने इस वीडियो को यहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कॉपी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप लोगों की वीडियो डबल हो जाएगी। इसके बाद में अगर आप अपने किसी भी वीडियो क्लिप को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिलीट पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग की वो वीडियो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अगला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर रोटेट का। अब यहाँ पर आप लोगों को कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को अपनी वीडियो को 90 डिग्री तक घुमाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में अगर आप लोगों को फिर से -90 डिग्री घुमाना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसा भी आप लोग यहाँ पर करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप लोग मिरर पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की वीडियो उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को फ्लिप का ऑप्शन भी मिल जाता है। जिस तरह से भी आप लोग अपनी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। जब आप लोगों की वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को राइट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को इस तीर वाले निशान पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर मेन ऑप्शन जो होते हैं उसमें से दूसरा ऑप्शन आप लोगों को रेडियो का मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो के साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर उनके वीडियो की साइज़ अलग अलग होती है। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि टिकटॉक पर वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को उसका साइज़ 9x16 लेना पड़ता है और YouTube की वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को 16x9 लेना पड़ता है। जिस तरह से भी आप लोग अपनी वीडियो का रेडियो सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। जब आप लोगों का रेडियो कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आप लोगों को राइट के निशान पर क्लिक करना है।
इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लोग अपनी वीडियो पर कहीं पर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी लिख देना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आप लोगों को इस कलर को इस तरह से ड्रैग करना है और यहाँ पर इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कई सारे ऐसे फॉन्ट है जो आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। इसके लिए आप लोगों को कोई भी पैसे नहीं देने होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है और इस टेक्स्ट को आप जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं वहाँ पर आप लोग आसानी से इसको लगा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को बैक आ जाना है और बैक आने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है म्यूजिक का। अगर दोस्तों यहाँ पर आप अपनी इस वीडियो में कोई भी म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कई सारे म्यूजिक मिल जाएंगे जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हैं। इसके लिए आप लोगों को कोई भी पैसा नहीं देना होता है। बस आप लोगों को इस म्यूजिक को यहाँ से आपको डाउनलोड करना है और आप लोगों को अपनी वीडियो में यूज करना है। अगर दोस्तों आप लोगों के डिवाइस में कोई म्यूजिक है जिसको आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप माई डिवाइस पर क्लिक कर सकते हैं और आपके डिवाइस में जो भी म्यूजिक होगा वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट भी मिल जाते हैं कि कई सारे म्यूजिक इफेक्ट होते हैं वो सभी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। उन सभी म्यूजिक इफेक्ट्स को आप लोग यहाँ से बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप लोगों को कोई भी पैसा नहीं देना होता है। अगर दोस्तों आप लोगों के पास कोई वीडियो है जिसका साउंड आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग उसका साउंड भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को अगला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर फिल्टर का। यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो में से किसी भी क्लिप को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने के लिए आप लोगों को इन फिल्टर्स को सिर्फ डाउनलोड करना होगा और उसके बाद में आप लोग इनको यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर इफेक्ट्स का। यहाँ पर कई सारे इफेक्ट्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। बस आप लोगों को इन इफेक्ट्स को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में आप लोग इन इफेक्ट्स को बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इनका प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। जिस भी इफेक्ट को आप लोग अपनी वीडियो में ऐड करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको राइट के निशान पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को इस वीडियो को यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ कि ये इफेक्ट कैसा दिखता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोगों को कई सारे इफेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप लोग बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करके बैक आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को अगला ऑप्शन यहाँ पर वॉल्यूम को मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है BG का। यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो को ब्लर कर सकते हैं, उसमें कलर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपनी वीडियो को कलर भी दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको रेड के निशान पर क्लिक करना है। आप चाहे तो अपनी वीडियो को ब्लर भी कर सकते हैं। ब्लर करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ब्लर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आप लोग ब्लर करना चाहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप लोगों को स्पीड घटानी है या फिर बढ़ानी है। यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर स्केल का। यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो को स्केल कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप लोगों को अपनी वीडियो पर टच करके यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करना है और आप लोग अपनी इस वीडियो को स्केल कर सकते हैं। स्केल करने के बाद में यहाँ पर आपको राइट के निशान पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है बॉर्डर का और यहाँ पर आप लोगों को अपनी जिस भी वीडियो को सबसे पहले आप प्ले करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से ड्रैग करना है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो पहले प्ले होगी, उसके बाद में ये प्ले होगी। अगर आप अपनी वीडियो को ये वाले प्ले करना चाहते हैं सबसे पहले तो आपको इस तरह से ड्रैग कर देना है। दोस्तों जब आप लोगों की वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक्सपोर्ट पर क्लिक करने से पहले आप लोगों को यहाँ पर बैक आना है और बैक आने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीटा वाटरमार्क जो कि इनेबल है, आप लोगों को इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद में ही वाटरमार्क आप लोगों का हटेगा। वाटरमार्क को यहाँ से ऑफ करने के बाद में आप लोगों को फिर से वीडियो पर जाना है। दोस्तों यहाँ पर लोडिंग लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है। दोस्तों लोडिंग कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से आप लोगों को एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को अपनी वीडियो की क्वालिटी सेलेक्ट करनी है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को HD क्वालिटी चाहिए तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं 720 और अगर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए तो यहाँ पर आपको 1080p पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपका वीडियो आपकी फ़ोन गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपनी किसी भी वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। आप लोग अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।